नाश्ते में कुछ अच्छा और कुछ हेल्दी खाने का मन हो रहा है, तो चलिए आज हम बनाते हैं उपमा जो हेल्दी भी है और साथ ही साथ टेस्टी भी है। तो उसके लिए कुछ हम सब्जियां चॉप कर लेते हैं, जैसे अनियन हो गया, ग्रीन चिली हो गई, कैप्सिकम हो गया और टोमेटोज़ हो गए। सो हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उपमा बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए जो मैंने हाफ कटोरी ली है, उसे मैंने घी में ब्राउन होने तक भून लिया है। उसी पैन में हम 2 स्पून के करीब घी डालेंगे और उसमें हमने राई, थोड़ा जीरा और लाल मिर्च का तड़का दिया है। जब हमारा तड़का चटक जाए तो हम उसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। हमारा प्याज भुन चुका है, अब हम इसमें टमाटर और कैप्सिकम ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। जब हमारे टमाटर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ज़्यादा इसमें नहीं पड़ते हैं, बस हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर पड़ता है जो हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे एंड थोड़ी देर चलाएंगे इसे अच्छे से मिक्स करके, ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और ऐड किया है, अब आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हमारे टमाटर गल चुके हैं, सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें हमारी भुनी हुई सूजी को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें बॉयल्ड मटर या फ्रोजन मटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। मैंने हाफ कटोरी सूजी ली थी, इसमें मैंने 1.5 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। 20 से 30 सेकंड में सूजी पानी को अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगी। ये देखिए, हमारी सूजी ने पानी को अब्जॉर्व कर लिया है। मैंने इसमें थोड़ा सा भुना हुआ बादाम यानी मूँगफली ऐड किया है एंड बस हमारा उपमा रेडी है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।